राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल से खबरों में है। पहले सरसंचालक मोहन भागवत ने जवानों की शहादत पर चिंता जताई और कहा कि युद्ध जैसे हालात नहीं, फिर भी जवान शहीद हो रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि युद्ध के बिना जवानों की शहादत क्यों, और उसके बाद सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा कि 2025 तक अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, इसके बाद विकास को गति मिलेगी। सवाल ये है कि क्या आरएसएस ने राम मंदिर पर डेडलाइन बदल दी है? क्या राम मंदिर के लिए 2025 तक इंतजार करना होगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी का राम मंदिर पर बड़ा बयान आया है। भैया जी जोशी ने इशारों में कहा है कि 2025 में राम मंदिर का निर्माण होगा, इसके बाद विकास को गति मिलेगी। सवाल यह है कि क्या आरएसएस ने राम मंदिर पर अपनी डेडलाइन जो थी वो बदल दी है, और क्या राम मंदिर के लिए 2025 तक का इंतजार अब करना होगा? किससे आगे बढ़ा 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त करने वाले विश्वास। राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण, एक मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं, ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मंदिर तो हजारों है, और इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश है। हालांकि पहले बयान के बाद भैया जी जोशी बोले कि उन्होंने कहा था कि 2025 तक मंदिर बन जाएगा, ना कि 2025 में मंदिर बनना शुरू होगा। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए ये हमारी इच्छा है। अच्छा, तो सर क्या सरकार को तय करना है? सर, आप तो लगातार कई सालों से बात करते हैं मंदिर बनना चाहिए, अब सब 25 तारीख की डेट आ गई सर, और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। हाँ। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा।